A BJP leader's arrogance claimed the life of a patient in the Fatehabad district of Haryana. BJP leader Darshan Nagpal created a ruckus after an ambulance brushed past his car. He blocked the street and forced the driver to apologize. And in all of this, crucial time was lost. And the critically ill patient who was being plied to the hospital succumbed. As per the sequence of event given by the investigating officer, he clearly said that there was an accident with the car of the VIP who was traveling in his car, and also the ambulance. And then the VIP stopped the ambulance. Now, the ambulance was carrying a heart patient. Now, what we've learned is because this ambulance was stopped by this BJP leader, the person succumbed to the heart attack and he died on the spot because he was stopped, the ambulance was stopped and was not allowed to go to the hospital. That is the allegation against the BJP leader. And what we understand right now is that the police have summoned both the parties in the police station. Rather than registering an FIR under culpable homicide not amounting to murder, what they have done is they have called both the parties and will try to really patch up. Now, this is what the law will take its own course. They will try to really patch up both the parties and try to make them understand that there is nothing can be done. But indeed, this really shows the concern of the Khattar government, that how the pressure is exerted on the police and how police functions. हम एम्बुलेंस को लेकर के बंसल हॉस्पिटल जा रहे थे तो लाल बत्ती पे जाम लगने की वजह से थोड़ा से एम्बुलेंस नगर परिषद के प्रधान दर्शन नागपाल के गाड़ी से टच हो गई। प्रधान जी ने अपनी गाड़ी एम्बुलेंस के पीछा लगा करके और तब देवलाल बुद्ध के पास हमारी एम्बुलेंस को घेर करके रोक लिया। लगभग हमारा आधा घंटा वहाँ बर्बाद कर दिया बहसबाजी में कि मेरी गाड़ी का नुकसान की भरपाई करो। हालांकि हमने ड्राइवर ने बहुत ताजोड़ी करी, भाई हमारे को जाने दो, पेशेंट है इसके अंदर, पेशेंट सीरियस है, परंतु नहीं माने। फिर काफ़ी हमारे मान मनोहल करवाने के बाद और माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने जाने दिया। और जब तक हम हॉस्पिटल में पहुंचे, डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, दादी तो डेथ हो गई। अगर आप 10-15 मिनट पहले आ जाते तो शायद हम कुछ कर सकते थे। लालबत्ती पे वो पीछे से आके उसने गाड़ी को पीछे से आके मार दिया एम्बुलेंस को। मामला ना तो मुझे पता है कौन है। जब लगी गाड़ी इतने में लालबत्ती खुल गई, अभी का सिग्नल हो गया, हम चल पड़े हैं। हम चल पड़े तो मेरे को ड्राइवर ने बताया बाबू जी एम्बुलेंस वाला खाली है और उसके में ड्राइवर ने दारू पी रखी। मैं नहीं यार जान दो, फिर वो आगे चले गए, उनकी गाड़ी उन्होंने आगे निकाल दी, हमने निकालने दी, पीछे हमारी गाड़ी थी तो हम चले गए। इतने में वो गाड़ी मुड़ गई वहाँ बस, हम पीछे चले गए। मैंने देखा जब वहाँ पे चले गए वो लगे तो पेशेंट निकाल रहे थे। मैंने ड्राइवर को बोला भाई यार ये पेशेंट है, आओ चले। मैं कहा ठीक है, मैं कहा इसमें पेशेंट है। ड्राइवर आया मेरे पास, मैंने कहा अंकल जी मैं आपको जानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ड्राइवर था नहीं, मैं स्टाफ का हूँ और पेशेंट लेके आया हूँ। मैंने कहा ठीक है, फिर हम उसी टाइम उनसे बात करी और चल पड़े। मैं भी समाज से हूँ, उनके लिए वो मेरा ही परिवार है, उन्होंने भी पता नहीं था भाई मेरे परिवार का, मुझे तो पता भी शाम को लगा। रोक लगा रहे हैं कि एम्बुलेंस रोकी गई है? ना ना, रोकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहाँ अगर एक भी आदमी ये कह दे कि मैंने एम्बुलेंस रोकी, मैं रोज समाज सेवा में हूँ, वैसी तो मेरी भी आत्मा होगी, मैं से मुझे भी पता है मेरा क्या कार्य है। रोकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वहाँ खड़ी की बात मैंने तसल्ली जरूर की ये है। शिकायत करता उन्होंने बतलाया कि उसके चाचे को अचानक तबीयत खराब हो गई थी, शिवाज हॉस्पिटल में ले गए थे, वहाँ से एम्बुलेंस लेकर वो अगरवा इशार के लिए जा रहे थे। यहाँ लाल बत्ती पर आके दर्शन नागपाल की गाड़ी खड़ी थी, जो उससे कोई टच होगी तो फिर वो गाड़ी पीछे लगा कर उन्होंने गाड़ी रुकवाई, उनकी वहाँ थोड़ी काचनी होगी, फिर माफ़ी मांग ली बता रहे हैं। लेकिन उसके दौरान वो जब हॉस्पिटल में अपने चाचा को ले गए तो उनकी डेथ हो गई, वो कह रहे हैं गाड़ी रुकवाई उस कारण हुई है। इस मामले में दोनों पक्ष को शिकायत प्राप्त हुई है, दोनों पक्ष वहाँ बुला रखा है, जैसे तथ्य सामने आएंगे उसी प्रकार कानूनी कार्रवाई करते।